बीएफ का बीसी एग्ज़ाम जो कि 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे। मैं एक एक करके क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाता जाऊंगा और इसमें कोई बेईमानी नहीं करेगा। इसके सारे उत्तर वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। तो पहले आप लोग लाइन से एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए और अपने उत्तर अपने कॉपियों में लिखते जाइए, फिर वीडियो के अंत में अपने सारे उत्तर मिला लीजिए। तो यहाँ मैं एक दिखाता हूँ आपको एक पैटर्न जो कि रियल एग्ज़ाम जैसा है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपकी जो विंडो रहेगी कंप्यूटर की ऊपर कैसी रहेगी। ये हरा बटन आपको ये दिखाता है कि आपने क्वेश्चन कौन से नहीं किए हैं। ग्रे कलर आपको ये दिखाता है कि आपने क्वेश्चन नहीं देखा है। लाल कलर ये दिखाता है कि आपने क्वेश्चन किया ही नहीं। लाइट ग्रीन कलर ये दिखाता है कि आप जो है इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। और ब्लू कलर ये दिखाता है कि आपने इसे किया नहीं लेकिन दोबारा देख सकते हैं। यहाँ प्रीवियस बटन इसलिए होता है कि आप पिछला क्वेश्चन ला सकते हैं, नेक्स्ट बटन अगला क्वेश्चन लाने के लिए। अगर आपने गलती से किसी गलत प्रश्न में क्लिक कर दिया है तो उसको आप क्लियर करने के लिए क्लियर ऑप्शन लगाएंगे। जो क्वेश्चन आप अभी नहीं करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है, बाद में करना चाहते हैं, उस क्वेश्चन को आप टैग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन देने के बाद आप सेव एंड रिज्यूम कर सकते हैं लास्ट में, और आखिरी में अंत में पेपर ख़त्म होने के बाद जो है आपको फिनिश एंड एग्जिट करना होता है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। IIBF का BC एग्ज़ाम जो कि 2 घंटे का समय दिया गया है, इसमें सारे क्वेश्चन लाइन से दिए गए हैं और मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। मैं पहले ही आंसर इसका नहीं बताऊंगा, ताकि नहीं तो आप तो पहले से ही इसका उत्तर जान जाएंगे। इसलिए मैं पहले सारे आपको प्रश्न दिखाता चलूँगा और आप लोग अपने अपने कॉपी में या रजिस्टर में इसको करते जाइए, फिर लास्ट में अपने उत्तर मिला लीजिए। कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है भाइयों? ठीक है, पहले क्वेश्चन है, बचत खाते में धन किस आधार पर जमा किया जा सकता है? ऑप्शन ए मासिक आधार पर, ऑप्शन बी जमा कर्ता की सुविधा के आधार पर, ऑप्शन सी सालाना आधार पर, या ऑप्शन डी एक मुश्त में। आप ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए हम नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। ATM कैन बी यूज्ड फॉर, ATM के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है नगद निकासी के लिए, खाता जांच के लिए, लेखा जोखा के लिए, या ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ATM का प्रयोग इन सभी के लिए किया जा सकता है, तो हम डी पे क्लिक करेंगे, ऊपर सभी दिए गए। लेकिन ये आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों को लाइन से क्वेश्चन करते जाना है अपने कॉपी में और लास्ट में सभी उत्तरों को आपको आंसर मिला लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ATM पासवर्ड रखा जाना चाहिए व्यक्तिगत डायरी में, कार्यालय डायरी में, याद में, या ऊपर के सभी, ठीक है, बताइए। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ये, RBI द्वारा परिभाषित संवेदनशील क्षेत्र में शामिल है पूंजी बाजार, रियल इस्टेट, माल, या ये सभी, बताइए जल्दी। जितनी जल्दी आप पेपर देंगे वहाँ कंप्यूटर पर जाके, आपका पेपर ऑनलाइन होना है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सेम पैटर्न ऑनलाइन जैसा ही दिया गया है यहाँ पे, A to Z एक एक चीज़ें जो उसमें होती हैं सेम टू सेम यहाँ पे मौजूद हैं। जो जो आपको जो पहली बार एग्ज़ाम हमारे भाई बंधु पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ये देख लें कि वहाँ पर सेम टू सेम आपको जो डेस्कटॉप दिया जाएगा उसमें सेम टू सेम ऐसा ही सिस्टम रहेगा और ऐसे ही आपको प्रश्न देने हैं। बस ये है कि मैं यहाँ पे टिक नहीं लगाना हूँ, टिक आप लोग लगाएंगे और अपने कॉपी में फ़िलहाल अभी करते जाएंगे लाइन से। उसके बाद सारे उत्तर आपको अंत में मिला लेने हैं कि कौन सा उत्तर आपने सही किया, कौन सा उत्तर आपने गलत किया। इससे ये पता चल जाएगा दोस्तों कि आपको अभी कितनी नॉलेज है और आप कितने पानी में, ठीक है। RBI द्वारा परिभाषित संवेदनशील क्षेत्र में शामिल हैं पूंजी बाजार, रियल इस्टेट, माल, या ये सभी। अगला क्वेश्चन पांचवा, अपना बचा हुआ पैसा घर पर रख कर होता है विकास के अवसर का नुकसान, विकास के अवसर की प्राप्ति, धन में वृद्धि,
या निवेश। कुछ लोग इंग्लिश भी समझते हैं तो इसलिए मैं इंग्लिश भी बोलने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाइयों के लिए है, जो दोनों मित्र हैं जो हिंदी समझते हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी। बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स लोन्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए बैंक पर ब्याज देते हैं, यानी इस खाली स्थान पर क्या भरना है, जमा ऋण दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पेश करता हूँ सातवां। ओपन एडेड मनी मार्केट स्कीम वॉज फर्स्टली इंस्टीट्यूट बाई UTI, IDBI, ICICI एंड LIC। ओपन एडेड मनी मार्केट योजना सबसे पहले द्वारा शुरू गई थी, यानी किसके द्वारा शुरू की गई थी, UTI द्वारा, IDBI द्वारा, ICICI द्वारा या LIC द्वारा। अगला क्वेश्चन है आठवां। इन सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इज पेड ऑन बैलेंस मैक्सिमम डेली मिनिमम और लास्ट बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। खाता जमा को बचाने में ब्याज डैश शेष राशि पर भुगतान किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज, न्यूनतम या महीने के अंत में अंतिम शेष। अगला क्वेश्चन है नवा। फिक्स्ड डिपॉजिट कैन ए नॉट बी विदड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी, बी पेड ओनली आफ्टर मैच्योरिटी, सी विदड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट परिपक्वता से पहले वापस नहीं लिया जाएगा, परिपक्वता के बाद ही भुगतान किया जाएगा, परिपक्वता से पहले वापस ले लिया जाता है या ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है दसवां। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज एज द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पजेसेस द यूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जनरल क्रेडिट कंट्रोल। ऑप्शन ए बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, द पावर ऑफ वेरी द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीस। हिंदी भाइयों के लिए ऋण के नियामक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास सामान्य ऋण नियंत्रण के सामान्य साधन हैं। ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी बाजार संचालन खोलें, ऑप्शन सी बैंकों के आरक्षित आवश्यकता को अलग करने की शक्ति या ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है ग्यारहवां। द मिंटिंग ऑफ रूपी कॉइन इज गवर्न बाय क्वाइनेज एक्ट 1906। ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ऑप्शन सी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन डी करेंसी एक्ट 1902। हिंदी भाइयों के लिए रुपए के सिक्के की ढलाई किसके द्वारा संचालित होता है, सिक्का अधिनियम 1906, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ऑप्शन सी बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, डी मुद्रा अधिनियम 1902। अगला क्वेश्चन है बारहवां। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स पर्सनल लोन्स एट द हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन सी चीट फंड्स, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी मनी लेंडर्स। हिंदी भाइयों के लिए निम्नलिखित में से कौन ब्याज की उच्च दरों पर व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है, ए बैंक, सी बी चीट फंड, सी साहूकार, डी धन उधार देने वाला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तेरहवां इंग्लिश भाइयों के लिए। सेविंग मस्ट बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन व्हिच अलाउज यू टू इजिली मीट एनी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। हिंदी भाइयों के लिए बचत सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जो आपको किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति को आसानी से पूरा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। अगला क्वेश्चन। PPF means A. Pension Planning Funds, B. Person Having Pension Facilities, C. Public Provident Fund, D. Permanent Practitioners Forum। हिंदी भाइयों के लिए PPF का मतलब है डैश, क्या मतलब है PPF का, पेंशन योजना निधि, व्यक्ति पेंशन सुविधाएं, सामान्य भविष्य निधि, स्थायी प्रैक्टिशनर फोरम। अगला क्वेश्चन है पंद्रह क्वेश्चन। चेक और डिमांड ड्राफ्ट इज वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ मनी। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स।
हिंदी भाइयों के लिए धन के हस्तांतरण के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट एक वैध दस्तावेज है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 क्वेश्चन आता है। बैंक्स पेज इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट्स, बी लोन्स, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। बैंक हिंदी भाइयों के लिए बैंक ब्याज देता है किस पे, जमा करने पर, लोन लेने पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन इंग्लिश भाइयों के लिए। बैंक्स विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई कैन नॉट ए ओन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और अब्रॉड, शिफ्ट अदरवाइज दैट विद इन द सेम सेंट्रल सिटी टाउन विलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस, सी शिफ्ट देयर सोल रूरल ब्रांच आउटसाइड द सेंट्रल विलेज इज नॉट परमिटेड एज सच एज शिफ्टिंग वुड रेंडर द सेंटर अनब्रांडेड, डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना बैंक नहीं कर सकते, भारत या विदेश में व्यापार का एक नए स्थान, बी अन्यथा शिफ्ट करें कि व्यवसाय के मौजूदा स्थान के सामान्य केंद्रों शहर शहर गांव के भीतर, ऑप्शन सी केंद्र गांव के बाहर उनकी एकमात्र ग्रामीण शाखा को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस तरह के स्थानांतरण से केंद्र को अनसंबद्ध किया जा गया, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, पीछे मेरे घर के एक ट्रैक्टर जा रहा है इसकी वजह से शायद थोड़ी आवाज़ ख़राब हो गई हो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 18वें क्वेश्चन पे। इंग्लिश भाइयों के लिए गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर्स, ऑप्शन ए इट इज सेफ, ऑप्शन बी नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए, ऑप्शन ए यह सुरक्षित है, ऑप्शन बी चोरी का कोई खतरा नहीं, ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए बैंक, ऑप्शन ए डीमैट अकाउंट और करंट अकाउंट, ऑप्शन बी बैंक बिल्डिंग, ऑप्शन सी ऑटो लोन, ऑप्शन डी यूज्ड कार लोन। हिंदी भाइयों के लिए कौन सा बैंक का उत्पाद नहीं है, डीमैट खाता या चालू खाता, बैंक की इमारत, ऑटो ऋण या कार ऋण। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बैंक ड्राफ्ट इज इश्यूड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन बी रीजनल रूरल बैंक्स, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा जारी किया जाता है निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, या ऊपर के सभी। अगला प्रश्न 21वां इंग्लिश भाइयों के लिए। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन आर कैरीड आउट विद अ व्यू टू रेगुलेट, ऑप्शन ए लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ऑप्शन बी प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज कॉन्फ्लेशन, ऑप्शन सी बोरोइंग पावर ऑफ द बैंक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए आरबीआई के खुले बाजार परिचालन लेन देन को विनियमित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में तरलता, आवश्यक वस्तुओं की कीमतन का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी बैंकों की उधार शक्ति, या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। अगले प्रश्न पे जाते हैं। बैंक ऑफ राजस्थान वाज मर्ज्ड विथ डैश ऑन 12 अक्टूबर 1998, ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी सिटी बैंक। हिंदी भाइयों के लिए 12 अक्टूबर 1998 को बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस में किया गया था, ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक में, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक में, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक में, ऑप्शन डी सिटी बैंक में। इंग्लिश भाइयों के लिए डीआरटी कैन एंटरटेन केसेस फॉर रिकवरी फॉर रुपीस, ऑप्शन ए 10 लाख एंड अबव, ऑप्शन बी 20 लाख ओनली, ऑप्शन सी 50 लाख ओनली, ऑप्शन डी 100 लाख ओनली। हिंदी भाइयों के लिए डीआरटी रुपए की वसूली के लिए मामलों का निपटाना सुनवाई कर सकते हैं, ऑप्शन ए 10 लाख और उससे अधिक, ऑप्शन बी केवल 20 लाख, ऑप्शन सी केवल 50 लाख, ऑप्शन डी केवल 100 लाख। भाइयों ये क्वेश्चंस आपको देखते जाना है और इनमें के जो भी उत्तर हैं आपको प्रश्न और उत्तर वीडियो को रोक रोक के अपने कॉपी पे लिखते जाना है
और आपको देखना है सारे उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपको कितना आता है, इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा जो आपके लिए बेटर रहेगा, यानी कि बेहतर रहेगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बाई कीपिंग योर सेव्ड मनी एट अ बैंक यू कैन, ऑप्शन ए अर्न एक्स्ट्रा इनकम एज एन इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, बी लॉस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी डबल द मनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अपना बचा हुआ पैसा बैंक में रखकर आप कर सकते हैं बैंक से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करें, ऑप्शन बी विकास के अवसर का नुकसान, ऑप्शन सी पैसा दोगुना करें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन जो है, विच करेंसी नोट हैज सिक्योरिटी थ्रेट, ऑप्शन ए 50 रुपीज़, ऑप्शन बी 100 रुपीज़, ऑप्शन सी 500 रुपीज़, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए, किस मुद्रा नोट में सुरक्षा धागा होता है? 50 रुपये के नोट में, 100 रुपये के नोट में, 500 रुपये के नोट में, ऊपर के सभी? ये तो भाइयों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई बच्चा ही बता सकता है। ठीक है, ऑप्शन 26वां प्रश्न 26वां, ICICI provides assistance by the way of ICE long and medium term loans and equity participation, option B guaranteeing rupee and foreign currency loans raised from the other sources, option C underwriting issues of shares and debentures, option D all of the above। हिंदी भाइयों के लिए, ICICI सहायता प्रदान करता है लंबी और मध्यम अवधि के ऋण और इक्विटी भागीदारी, ऑप्शन बी अन्य स्रोतों से उठाए गए रुपए और विदेशी मुद्रा ऋण की गारंटी, ऑप्शन सी शेयरों और डिबेंचर के अंडरराइटिंग मुद्दे, या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27वां, भाइयों मेरा मुंह जो है बोलते बोलते सूखने लगा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हम चलते हैं अगले प्रश्न 27वें पे। ए बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट एज एग्रीड विद द कस्टमर एट द टाइम ऑफ द डिपॉजिट, ऑप्शन बी फिक्स्ड पीरियड ऑफ द डिपॉजिट, ऑप्शन सी पीरियडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की विशेषता है जमा के समय ग्राहक की सहमति के अनुसार ब्याज दर, जमा की निश्चित अवधि, ब्याज का आवधिक भुगतान या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 28वां, वाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड ऑन, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, एफिडेविट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। हिंदी वाला प्रश्न देखते हैं। नामांकन करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए खाता खोलने के फॉर्म पर, ऑप्शन बी नामांकन पर, ऑप्शन सी शपथ पत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम जाते हैं 29वां। नॉमिनेशन वंस डन कैन, ऑप्शन ए नॉट बी कैंसल्ड, ऑप्शन बी बी कैंसल्ड, ऑप्शन सी नॉट बी चेंज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी वाले भाई देखें, एक बार नामांकन करने पर रद्द नहीं किया जाता, रद्द कर दिया जाए बदला नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। भाइयों मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहता हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ पानी पीकर, क्योंकि मेरा मुंह बहुत सूख रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, कहाँ पर थे हम? हाँ, प्रश्न नंबर 29 पर जाने वाले थे, प्रश्न नंबर 30 पर जाने वाले थे। In India, the system of decimal coinage was introduced on option A 15 August 1947, option B 26 January 1950, option C 1 April 1957, option D all of the above। हिंदी भाइयों के लिए, भारत में दशमलव सिक्के की प्रणाली कब से शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1957, या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। हाँ, यहाँ कुछ नए प्रकार का क्वेश्चन आया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरामीटर कृषि विकास योजना,
It is to promote organic farming. It will be implemented in a cluster-based approach and farmers will be funded to meet the expenditure from farm to the market. Okay, which of the above statement are correct? Option A, only one, यानी केवल one. हिंदी भाइयों के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. यह जैविक खेती को बढ़ावा देता है. इसे क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से लागू किया जाएगा और किसानों को खेत से बाजार तक खर्च पूरा करने के लिए वित्त पोषित किया जाएगा. ऑप्शन बी जो है केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. अगला प्रश्न है 32वां. इंग्लिश भाइयों के लिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉरी व्हाट इज द पर्पज फॉर विच मुद्रा लोन कैन बी अवेल्ड फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू. ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेडिंग सर्विसेज, ऑप्शन बी पर्सनल लोन, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कम्युनिटीज इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. इसमें ये पूछा गया है हिंदी भाइयों के लिए कि मुद्रा लोन जो पास किया जाता है वो किस उद्देश्य के लिए पास किया जाता है, किस कार्य के लिए. ऑप्शन ए कंपनियों में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, कोई सर्विस करना है, बिजनेस करना है. ऑप्शन बी खुद के पर्सनल लोन के लिए, व्यक्तिगत लोन के लिए. ऑप्शन सी अगर आपको इस लिए के लोन को कहीं भी इन्वेस्ट करना है, किसी शेयर में लगाना है, किसी बॉन्ड में लगाना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है, या इन सभी के लिए. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33. इंग्लिश भाइयों के लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारतमाला. इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट विल सब्स्टिट्यूट अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP. इट ऑल्सो फोकस ऑन द न्यू इनिशिएटिव्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट एंड कनेक्टिविटी रोड, नेशनल कॉरिडोर्स, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलपमेंट एंड अदर्स. हिंदी भाइयों के लिए भारतमाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. यह एक छाता कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP के अधूरे हिस्सों को पूरा करेगा. यह सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों, राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार, आर्थिक गलियारों के विकास और अन्य जैसी नई पहलों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. इंग्लिश भाई के लिए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड सॉरी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव. हिंदी भाइयों के लिए केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, इनमें से कोई नहीं. अगला प्रश्न 34वां. हु मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन और PMMY प्रोग्रेस एट नेशनल लेवल. PMMY मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने उसका फुल फॉर्म बताया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. इंग्लिश भाइयों के लिए मुद्रा डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए मुद्रा डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन बी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. हिंदी भाइयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रगति के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है. ऑप्शन ए वित्तीय सेवा विभाग, मुद्रा वित्तीय सेवा विभाग, ऑप्शन बी राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं. अगला क्वेश्चन 35वां. इंग्लिश भाइयों के लिए व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर इन PMJDY. ऑप्शन ए अप टू 60% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट, ऑप्शन बी अप टू 80% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट, ऑप्शन सी अप टू 90% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट, ऑप्शन डी अप टू 100% ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट. हिंदी भाइयों के लिए PMJDY में गारंटी कवर की सीमा क्या है. ए डिफॉल्ट राशि का 60% तक, ऑप्शन बी डिफॉल्ट राशि का 80% तक 80% तक, ऑप्शन सी डिफॉल्ट राशि का 90% तक, डिफॉल्ट राशि का 100% तक. अगला प्रश्न में हम जाएंगे 36 प्रश्न में, 36 नंबर. व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड.
ऑप्शन ए डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एक्सेप्टेड एट ऑल एटीएम्स एंड पीओएस मशीन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए रुपे डेबिट कार्ड क्या है? आप लोगों जानते होंगे रुपे डेबिट कार्ड जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट खाते खोले गए थे उसमें दिए जा रहे थे रुपे डेबिट कार्ड। ऑप्शन ए हिंदी भाइयों के लिए घरेलू डेबिट कार्ड है, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन सी सभी एटीएम और पीओएस मशीन में स्वीकार किए जाते हैं, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। ये तो दोस्तों बहुत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसे तो कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आप लोग खुद से अपने कॉपी में करते जाइए, देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं, और आप खुद से चेक कर लेना कि आपने कितने सही किए और कितने गलत। इसके उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द रूल ऑफ मुद्रा अंडर PMMY लोन्स। ऑप्शन ए मुद्रा इज ए डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड लेंड टू स्मॉल माइक्रो यूनिट्स एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्टली फॉर PMY। ऑप्शन बी एक्ट्स एज अ रिफाइनेंस एजेंसी एंड रिफाइनेंस टू ऑल बैंक्स एंड BFCs MFIs फॉर ऑनवर्ड्स लेंडिंग टू कंज्यूमर्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ PMY लोन्स एज पर नीड ऑफ द कस्टमर। ऑप्शन सी मुद्रा इज रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण के तहत मुद्रा की भूमिका क्या होती है? मुद्रा एक प्रत्यक्ष ऋण देने वाला संस्थान है और लघु सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमियों को सीधे PMMY के लिए उधार देता है। ऑप्शन बी एक रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में कार्य करता है और सभी बैंकों NBFC MFI को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार PMMY ऋण की विभिन्न श्रेणियों के तहत ग्राहकों को आगे उधार देने के लिए कार्य करता है। मुद्रा बैंकों का नियामक है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 38। ये देखिए नए प्रकार का ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं इंग्लिश भाइयों के लिए। किशोर कवर्स अ लोन अबव ₹50,000 एंड अप टू 5 लाख रुपीस। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। हिंदी भाइयों के लिए किशोर ऋण ₹50,000 से ऊपर और 5 लाख रुपए तक होता है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। नॉमिनेशन वंस डन कैन ऑप्शन नॉट बी कैंसल्ड, ऑप्शन बी कैंसल्ड, ऑप्शन सी नॉट बी चेंज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसकी हिंदी नहीं दी हुई लेकिन मैं हिंदी भाइयों के लिए इसकी हिंदी बता रहा हूँ। नॉमिनेशन वंस डन कैन, अगर एक बार नामित कर दिया जाता है किसी बैंक खाते या बीमा के लिए तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उसे कैंसिल किया जा सकता है, ऑप्शन बी नॉट बी चेंज उसे बदला नहीं जा सकता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। व्हाट आर द बेनिफिट्स अटैच्ड टू PMJDY। ऑप्शन ए एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अप टू 1 लाख, ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30,000, ऑप्शन सी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹5,000 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए PMJDY से क्या लाभ जुड़े हैं? 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, ऑप्शन बी ₹30,000 का जीवन बीमा कवर, या ऑप्शन सी ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। प्रश्न नंबर 41। कैन इलिटरेट पर्सन बी इश्यूड डेबिट कार्ड? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी ओनली इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, ऑप्शन डी ओनली इन केस ही इज हेड ऑफ फैमिली। दोस्तों मेरा काफ़ी गला सूख रहा है इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हिंदी भाइयों के लिए क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी केवल संयुक्त खाते के मामले में, ऑप्शन डी केवल तभी जब आप परिवार का मुखिया होता है। अगले प्रश्न पर जाएंगे, प्रश्न नंबर 42। ATM पासवर्ड शुड बी केप्ट इन, ऑप्शन ए पर्सनल डायरी, ऑप्शन बी ऑफिस डायरी, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
हिंदी भाइयों के लिए एटीएम का पासवर्ड कहाँ रखना चाहिए? व्यक्तिगत डायरी में लिखकर रखना चाहिए या कार्यालय की डायरी में लिखकर रखना चाहिए या याद में रखना चाहिए ऊपर के सभी? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों कि इन प्रश्नों को करते रहिए और आपके कई प्रश्न आने वाले 23 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें काफ़ी क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। मैं अभी ऑनलाइन के कई एग्ज़ाम वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 यानी कि 43। ये नए प्रकार का क्वेश्चन आ गया, बड़ा है थोड़ा, लेकिन इससे डरिएगा नहीं। इंस्ट्रक्शंस: कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बीपीएल हाउसहोल्ड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बीपीएल फैमिलीज विल बी मेड इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस डाटा। ओके, इंग्लिश भाइयों के लिए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए केवल एक, ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके बीपीएल घरों से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधार पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के से परामर्श की जाएगी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। पीएमएमवाई यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स आर एप्लीकेबल टू डैश। ऑप्शन ए ऑल बैंक्स ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन बी विद इन द नोटिफाइड एरियाज लोकेशन इन इंडिया, ऑप्शन सी ऑल बैंक्स ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हिंदी भाइयों के लिए पीएमएमवाई ऋण डैश पर लागू होते हैं। ए पूरे भारत में सभी बैंक, बी भारत में अधिसूचित क्षेत्रों स्थानों के भीतर, ऑप्शन सी पूरे भारत और विदेशों में सभी बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 45वां। टोटल लोन्स सैंक्शन्ड डिस्पर्स्ड अंडर पीएमएमवाई इज एक्सेसिबल टू फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द बैंक्स एनबीएफसीज एमएफआईज जनरल पब्लिक एट लार्ज। ऑप्शन ए डीएफएस वेबसाइट, ऑप्शन बी मुद्रा पोर्टल, ऑप्शन सी पीएमओ वेबसाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें क्या गया है, टोटल लोन सैंक्शन, जो टोटल लोन पास किया जाता है अंडर पीएमएमवाई यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो भी लोन पास किया जाता है इसकी जो जानकारी होती है, ठीक है, वो बैंक या एनबीएफसी या एफसीआई इनके फुल फॉर्म में पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, ठीक है, उन जनरल पब्लिक के लिए उनका इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया जाता है, बैंक्स एनबीएफसी और एफएनएफआईस कहाँ से लिंक करती हैं, डीएफएस वेबसाइट के पोर्टल से, मुद्रा पोर्टल से लेती हैं या पीएमओ वेबसाइट प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वेबसाइट से ली जाती हैं, इनमें से किसी भी वेबसाइट से नहीं। प्रश्न नंबर 46। हाउ मैनी लेवल ऑफ मॉनिटरिंग स्टेजेस आर देयर फॉर पीएमजेडीवाई? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी थ्री, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी फाइव। हिंदी भाइयों के लिए पीएमजेडीवाई के लिए कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी पाँच। अगला प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 47। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेबल इन स्मॉल अकाउंट्स? ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। हिंदी भाई के लिए छोटे खातों में अधिकतम जमा राशि क्या स्वीकार्य है? 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 48वां। डैश आर नॉट कवर्ड अंडर पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री जनधन योजना लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 30,000।
ऑप्शन ए एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, ऑप्शन बी इनकम टैक्स पे, ऑप्शन सी आम आदमी बीमा योजना बेनिफिशरीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हिंदी भाइयों के लिए 30,000 की PMJDY जीवन बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, कौन कौन लोग जो है इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, केंद्रीय राज्य के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बैंक, आयकरदाता, आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थी या ऊपर के सभी। अगला प्रश्न 49, पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय, ऑप्शन ए बेनिफिशियरी, ऑप्शन बी नॉमिनी, ऑप्शन सी ड्रॉअर ऑफ चेक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए चेक के भुगतान को रोका जा सकता है, इसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि चेक के भुगतान को कैसे रोका जा सकता है अगर किसी ने गलती से अगर चेक पास कर दिया तो उसे कौन रोक सकता है, लाभार्थी, नामांकित, या कैसे रोका जा सकता है, जांच का दराज या ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है 50 यानी 50वां, BSBDA रिफर्स टू बेसिक सेविंग्स एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बैंक सेविंग्स एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए BSBDA को संदर्भित करता है मूल बचत और जमा खाता, ऑप्शन बी मूल बचत बैंक जमा खाता, ऑप्शन सी बचत और बैंक जमा खाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाइयों BSBDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जानकारी क्या होती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला था, जिसने देखा होगा उसे पता होगा। द डैश आर एन असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कॉर्पोरेट इश्यूअर, ऑप्शन ए बॉन्ड यील्ड, ऑप्शन बी बॉन्ड प्राइस, ऑप्शन सी बॉन्ड रिस्क, ऑप्शन डी बॉन्ड रेटिंग्स। हिंदी भाइयों के लिए डैश कॉर्पोरेट जारीकर्ता की साख का एक मूल्यांकन है, ऑप्शन ए बॉन्ड यील्ड, ऑप्शन बी बॉन्ड की कीमत, ऑप्शन सी बॉन्ड जोखिम, ऑप्शन डी बॉन्ड रेटिंग्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं 52, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, मेरा मुँह सूख जाएगा बोलते बोलते, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस, अंग्रेजी बोलने वाले भाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF। An UAN is allotted to EPF subscribers to make Provident Fund account more portable and universally accessible by centrally compiling and digitizing their information. The portability of social security benefits to the labor of organized sector across the jobs and geographic areas will be ensured. Option A, only one, only two, both one and two, none of the above. हिंदी भाइयों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। EPF ग्राहकों को एक UAN आवंटित किया जाता है ताकि प्रोविडेंट फंड खाते को अपनी जानकारी के संकलन और डिजिटलीकरण द्वारा अधिक पोर्टेबल और सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाया जा सके। नौकरियों और भौगोलिक क्षेत्रों के संगठित क्षेत्र के भ्रम के लिए श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को स्वायत्ता सुनिश्चित की जाएगी। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आता है 53, इन अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर इन्फॉर्मेशन इज सिमेट्रिक, द सेम इन्फॉर्मेशन वुड बी नोन बाई बोथ पार्टीज इन अ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी वन पार्टी टू अ ट्रांजेक्शन नोज information the other party does not, option C the ability to obtain information is available to only one party, option D all of the given option। हिंदी भाइयों के लिए एक वित्तीय बाजार में जहां जानकारी सममित है, दोनों पक्षों द्वारा लेन देन में समान जानकारी ज्ञात होगी, लेन देन करने वाला एक पक्ष जानता है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करने की क्षमता केवल एक पार्टी के लिए उपलब्ध है, या ऑप्शन डी सभी दिए गए विकल्प। किसने कितने सही किए, किसने कितने गलत किए, वो करते जाएं अपने अपनी कॉपी पे और लास्ट में चेक करें। अगला प्रश्न है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सभी जो बैंक मित्र भाई हैं।
फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट्स विच कैन हैव जीरो बैलेंस, ऑप्शन बी अकाउंट्स ओपन टू फैसिलिटेट रीपेमेंट ऑफ लोन, ऑप्शन सी अकाउंट्स इन विच शेयर्स ऑफ कंपनीज आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑप्शन डी अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज फॉर इन्वेस्टर्स। हिंदी भाइयों के लिए निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में पहचाना जाता है बताइए। जिन खातों में शून्य शेष हो सकता है, ऑप्शन बी ऋण चुकाने की सुविधा के लिए खाते खोले गए हैं, ऑप्शन सी जिन खातों में कंपनियों के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार होता है, ऑप्शन डी निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा बनाए गए खाते। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव वाले यानी कि बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। कई बार कई लोगों के पास किताबें भी हैं, बुक्स भी हैं। जब मैं IABF का एग्ज़ाम देने गया था, मैंने पूरी किताब एक एक शब्द पढ़ लिया था, लेकिन जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया तो इसमें से काफ़ी जो इसमें प्रश्न आए थे यानी क्वेश्चंस आए थे वो किताब से थे ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ आर्टिकल्स, इसलिए मुझे जानकारी थी कि बाहर से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए वो प्रश्न मैंने पास वो सॉरी वो एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, ठीक है। आप केवल किताब के भरोसे मत रहिए, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। आपको जहाँ से भी जितने भी प्रश्न मिल सके आप उन्हें पढ़िए, ठीक है। बेस्ट बिजनेस के या बैंकिंग के बारे में अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो एक अखबार आता है द इकोनॉमिक टाइम्स, इंग्लिश भाइयों के लिए, ठीक है। बाकी हिंदी भाइयों के लिए तो कई अन्य हिंदी पेपर भी आते हैं, तो अपना बिजनेस की कैटेगरी में या बैंकिंग की कैटेगरी में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 55। इज सेंट्रल बैंक विशिंग टू रिड्यूस द रेट ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन, वुड टिपिकली, ऑप्शन ए बाय ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एट देयर करंट प्राइस, ऑप्शन बी लोअर द प्राइस ऑफ रीपरचेज एग्रीमेंट विद द बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रेज द प्राइस ऑफ रीपरचेज एग्रीमेंट विद द बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी सेल ट्रेजरी बिल्स टू द जेनरिक जनरल पब्लिक। हिंदी भाइयों के लिए देखिए, मैं तो एग्ज़ाम पास हो चुका हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग भी पास हो जाएं, ताकि सभी लोग बैंक मित्र बन सकें और हम लोगों की एक अच्छी टीम हो सके और हम सभी प्रकार की जो गांवों में सुविधा बैंकिंग की दे सकें, जिससे वृद्ध अपना पेंशन ले सकें, जो गरीब हैं, जो बूढ़े हैं, दूर नहीं जा सकते, उनको सारी सुविधाएँ मिल सकें। अगर गांव-गांव में सभी बैंक मित्र हर जगह पे अगर हो जाएंगे, हर छोटे से कस्बे में, गांव में जो जितने माता पिता होते हैं अपने बच्चों द्वारा भगा दिए जाते हैं, उनके पास मार्केट में या 10 किलोमीटर दूर बाज़ार में जाने की सुविधा नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, वो पैदल चल के जाते हैं बेचारे दूर दूर। बैंकों में भी कभी कभी सर्वर नहीं आता है तो उनको बेचारा पैदल ही चल के आना पड़ता है, उनको काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने अधिक से अधिक हमारे दोस्त बैंक मित्र बन सकें, गांव-गांव जाकर सुविधा दे सकें। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने एग्ज़ाम पास किया और मैं सुविधा अपने गांव के लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग भी एग्ज़ाम पास करें और अच्छे से क्वेश्चन देखें, अलग अलग क्वेश्चन देखें, नए नए आर्टिकल्स पढ़ें, केवल किताब के भरोसे मत रहें, ठीक है। पेपर भी पढ़ते रहें बिजनेस और बैंकिंग के बारे में, ठीक। अगले प्रश्न में हम जाते हैं, अभी ये हिंदी भाइयों के लिए शायद नहीं पढ़ा गया, मैं भूल गया, तो मैं हिंदी भाइयों के लिए पढ़ देता हूँ। आमतौर पर क्रेडिट विस्तार की दर को कम करने के इच्छुक केंद्रीय बैंक अपने मौजूदा मूल्य पर बैंकिंग प्रणाली से ट्रेजरी बिल खरीदें, ऑप्शन बी बैंकिंग प्रणाली के साथ पुनर्खरीद समझौते की कीमत कम करें, ऑप्शन सी बैंकिंग प्रणाली के साथ पुनर्खरीद समझौते की कीमत बढ़ाएं, ऑप्शन डी आम जनता को ट्रेजरी बिल भेजते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 56। बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स LIC पॉलिसी लॉटरी टिकट NSC। बैंक डैश के विरुद्ध ऋण नहीं देता, मतलब किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता,
सोने के गहने, LIC पॉलिसी, लॉटरी टिकट या NSC। अगला प्रश्न 57वां, 57। ए रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स विल, ऑप्शन है ऑलवेज प्रेफर एन इन्वेस्टमेंट विद अ लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऑप्शन बी ऑलवेज प्रेफर एन इन्वेस्टमेंट विद अ सर्टेन रिटर्न टू वन विद सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न बट एनी अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑप्शन सी ऑलवेज रिक्वायर अ सर्टेन रिटर्न, ऑप्शन डी ऑलवेज फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हिंदी भाइयों के लिए, एक जोखिम प्रतिकूल निवेशक होगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो हमेशा कम प्रत्याशित रिटर्न वाले निवेश को प्राथमिकता दे, ऑप्शन बी जो हमेशा एक रिटर्न के साथ निवेशक को पसंद करें जिसमें एक ही अपेक्षित रिटर्न हो लेकिन अनिश्चितता की कोई भी राशि हो, ऑप्शन सी जो हमेशा एक निश्चित रिटर्न चाहे, ऑप्शन डी जो हमेशा एक्सक्लूसिव रिटर्न पर ध्यान दे। अगला प्रश्न हम 58वां देंगे, ठीक है, 58वां यानी 58। व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड? रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जिनके अकाउंट खुले हुए होते हैं उनको ये रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एक्सेप्टेड एट ऑल ATMs एंड POS मशीन्स। हिंदी भाइयों के लिए, घरेलू डेबिट कार्ड क्या है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? ऑप्शन ए घरेलू डेबिट कार्ड भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत सभी ATM और POS मशीनों में स्वीकार किए जाते हैं और ऊपर के सभी। अगला प्रश्न 59। The theory of efficient market states that prices of financial instruments will reflect, option A all available information, option B some of the information, option C no information, option D imperfect information। हिंदी भाइयों के लिए, कुशल बाजार का सिद्धांत बताता है कि वित्तीय साधनों की कीमतें प्रतिबिंबित होती हैं, ऑप्शन ए सभी उपलब्ध जानकारी, कुछ जानकारी, कोई सूचना नहीं, ऑप्शन डी अपूर्ण जानकारी। अगला प्रश्न 60। ए रिस्क एवर्स इन्वेस्टर विल, ऑप्शन ए ऑलवेज प्रेफर एन इन्वेस्टमेंट विद अ लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऑप्शन बी ऑलवेज प्रेफर एन इन्वेस्टमेंट विद अ सर्टेन रिटर्न टू वन विद द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न बट एनी अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑलवेज रिक्वायर अ सर्टेन रिटर्न, ऑप्शन डी ऑलवेज फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। माफ़ी चाहूँगा, एक नोटिफिकेशन कोई कंप्यूटर की आ गई थी, शायद वायरस या और कुछ, देखना पड़ेगा बाद में। अगला प्रश्न इंस्ट्रक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, फुल फॉर्म आपको सभी याद करके जाने हैं, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी काफ़ी फुल फॉर्म वाले वीडियो बनाए हैं, उसमें देख सकते हैं और आगे भी बनाने वाला हूँ। PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इट इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर एट एन हाईली अफोर्डेबल प्रीमियम ऑफ 12 रुपी पर ईयर। द स्कीम विल बी अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप 18 to 70 ईयर्स विथ अ सेविंग बैंक अकाउंट। हिंदी भाइयों के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 12 रुपये के अत्याधिक किफ़ायती प्रीमियम पर आकस्मिक बीमा का कवर प्रदान करना है। यह स्कीम 18 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बचत बैंक खाते के साथ उपलब्ध होगी। अब इनमें से आप लोगों को बताना है कि इनमें से ये पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों सही हैं, दोनों में से एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है या केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं, ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम जाते हैं, प्रश्न नंबर 62। प्रीवियसली फाइनेंशियल मार्केट्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए कॉफी हाउसेस और टेवेंस, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी कॉफी हाउसेस एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑप्शन ई फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हिंदी भाइयों के लिए, पहले वित्तीय बाजार निम्नलिखित में से किस में
स्थित है? ऑप्शन ए कॉफी हाउस या टेवर्न, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज में, ऑप्शन सी बाजार में, ऑप्शन डी कॉफी हाउस और स्टॉक एक्सचेंज में, ऑप्शन ई वित्तीय बाजार में। इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा आ गया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो इसको देख आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न 63वां, इफ़ द मॉनेटरी स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन गोल्ड इट इज़ कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड या मल्टी स्टैंडर्ड। इन दिवाइयों के लिए सोने पर आधारित मौद्रिक मानक को कहा जाता है? ऑप्शन ए सोने के मानक को, ऑप्शन बी चांदी का मानक, ऑप्शन सी दोहरा मापदंड बहुमानक। दोस्तों काफ़ी देर से बोलते बोलते मेरे मुंह का पानी सूख चुका है और मुंह भी दर्द करने लगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, पूरे 100 क्वेश्चंस की जो पूरे पेपर में आते हैं। जैसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। अगला प्रश्न 64वां, व्हाट डज ट्रेजरी बिल्स मीन? ऑप्शन ए सैलरी बिल्स ड्रॉन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन द ट्रेजरी, ऑप्शन बी बिल्स ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर सप्लायर्स ऑन द ट्रेजरी फॉर द ड्यूज ओड टू देम बाय द गवर्नमेंट, सी ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड पेबल नॉर्मली 91 डेज आफ्टर इश्यूज, ऑप्शन डी ए मोड ऑफ ड्रॉइंग बाय द ट्रेजरी ऑफिस ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी भाई के लिए ट्रेजरी बिल क्या होता है? सरकारी अधिकारियों द्वारा राजकोष पर वेतन बिल। ऑप्शन बी सरकार द्वारा उन पर बकाया के लिए सरकारी ठेकेदारों और खजाने पर अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिल जमा किया गया। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत सरकार की बाध्यता और जारी करने के 91 दिनों के बाद दें। ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक में ट्रेजरी ऑफिस द्वारा आरेखण की एक विधा। अगले प्रश्न में जाएंगे 65 में, बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन्स फॉर क्रॉप लोन्स, एजुकेशन लोन, होम लोन्स, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। इनमें से हिंदी भाई बोले, इनमें से बैंक किस चीज़ के लिए लोन नहीं देता है? क्रॉप लोन यानी कि फसल लोन यानी खेती बाड़ी के लिए, एजुकेशन लोन यानी कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए लोन नहीं देता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन्स फॉर, बैंक किसके लिए लोन नहीं देता है? होम लोन्स घर के लिए, और डी ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग लोन। जैसा कि जानते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया गया है वैसे आप लोग करिए, ठीक है। बैंक किसके लिए लोन नहीं देता है इनमें से, तो ये आखिरी वाला है पीने के लिए, पीने के लिए मतलब आप समझ गए होंगे, और इसमें गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने के लिए। अगला प्रश्न 66, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द प्रोसीड्स अ लेंडर रिसीव्स फ्रॉम अ सिंपल लोन। ओके, हिंदी भाइयों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण ऋण से एक ऋणदाता को प्राप्त आय को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए पीवी वन प्लस आई, एफ ई अपॉन आई, पीवी प्लस आई, पीवी अपॉन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, द लोन्स सैंक्शनड बाय बैंक्स एनबीएफसी एमएफआईज ऑन और आफ्टर टैक्स अप टू 10 लाख फॉर स्मॉल बिजनेसेस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज आर नोन एज पीएमएमवाई लोन्स। ऑप्शन ए 18 मार्च 15, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 15, 20 मई 15, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। दोस्तों मेरा गला बहुत ही सूख चुका है, मेरा बोलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी। प्रश्न नंबर 68, मजबूरी क्या मजबूरी नहीं कहूँगा, सॉरी मजबूरी शब्द लेने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और अपने देश की जनता के लिए कि आप लोग बैंक मित्र बने और गरीब वृद्धों को और बूढ़े गरीब लोगों को बैंकिंग की सुविधा देकर उन्हें लाभान्वित करें। मेरी उम्मीद यही है आप लोगों से। अगला प्रश्न है 68, द सेगमेंटेड मार्केट्स थ्योरी ऑफ टर्म स्ट्रक्चर सजेस्ट्स दैट ए इन्वेस्टर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर मैच्योरिटी। ऑप्शन बी इन्वेस्टर्स हैव नो प्रेफरेंस फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ओवर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और वाइस वर्सा। ऑप्शन सी इंटरेस्ट रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ऑप्शन डी बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज आर प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। हिंदी भाइयों के लिए शब्द संरचना का खंडित बाजार सिद्धांत बताता है।
एक विशेष परिपक्वता के बॉन्ड के लिए निवेशकों की मजबूत प्राथमिकताएं हैं। ऑप्शन बी, लंबी अवधि के बॉन्ड या इसके विपरीत अकाल्पिक बॉन्ड के लिए निवेशकों की कोई प्राथमिकता नहीं है। लंबी अवधि के बॉन्ड पर ब्याज दरें अकाल्पिक बॉन्ड की मांग को काफ़ी प्रभावित करते हैं। विभिन्न परिपक्वताओं के बॉन्ड एक दूसरे के लिए सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न 69। बिसाइड डिफॉल्ट रिस्क विच वन इफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द रिटर्न ऑन बॉन्ड। ऑप्शन ए टैक्सेस, ऑप्शन बी मॉनेटरी पॉलिसी, सी चेक बॉन्ड्स, ऑप्शन डी डेट्स। हाँ, इसे डेट्स ही पढ़ा जाता है। ओके, ये बी साइलेंट रहता है, डेप्ट नहीं पढ़ा जाता। हिंदी भाइयों के लिए डिफॉल्ट जोखिम के अलावा कौन सा अगर निम्नलिखित कारक बॉन्ड पर वापसी को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कर, मौद्रिक नीति, जंक बॉन्ड या कर्ज। 70। एन आईपीओ लोन इज मेंट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। मीटिंग पर्सनल नीड्स, फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर स्टार्टिंग अ न्यू इंडस्ट्री। आईपीओ लोन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए है, बताइए। ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है या प्रश्न है हिंदी भाइयों के लिए। आईपीओ लोन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए है। व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, उच्च शिक्षा के लिए होता है, चिकित्सा उपचार के लिए होता है, या एक नया उद्योग शुरू करने के लिए होता है। अगला प्रश्न 71। इन टुडेज चेंजिंग बैंकिंग सिनेरियो एग्रेसिव प्रमोशन ऑफ बिजनेसेस इज नेसेसरी वेयर द कंपटीशन एग्जिस्ट ऑन डैश। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द बैंक स्पेस प्रोवाइडेड इन द सेंटेंस। ओके, ऑप्शन ए ब्रांच अप कीप, एक्सपेंडिशियस सर्विसेस, यूज ऑफ एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिलाइटफुल कस्टमर सर्विस। हिंदी भाइयों के लिए आज के बदलते बैंकिंग परिदृश्य में व्यवसाय का आक्रामक प्रचार आवश्यक है। जहाँ प्रतिस्पर्धा मौजूद है, डैश वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ब्रांच अपकीप, शीघ्र सेवा, उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, रमणीय ग्राहक सेवा। प्रश्न नंबर 72। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय द बिजनेस करेस्पोंडेंट्स विल नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए डिस्पर्सल ऑफ स्मॉल वैल्यू क्रेडिट, बी रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट्स, ऑप्शन डी पेमेंट्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। हिंदी भाइयों के लिए व्यावसायिक संवाददाताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, छोटे मूल्यों के ऋण का वितरण, ऑप्शन बी मूलधन की वसूली और ब्याज का संग्रह उधार लेने वाला, ऑप्शन सी छोटे मूल्य जमा का संग्रह, ऑप्शन डी डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान 1000 रुपए से अधिक नहीं है। अगला प्रश्न है 73। मंगल रिफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, विडो रीमैरिज स्कीम, असम गवर्नमेंट स्कीम, कर्नाटक गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम। इसमें कह रहा है मंगल्य रिफर्स टू मंगल्य योजना किसको निर्धारित करती है, किसको डायरेक्ट करती है, मतलब किस लिए है मंगल्य स्कीम, ठीक है, या कैसी स्कीम है, किसकी तरफ से दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है या विडो रीमैरिज स्कीम है, मतलब विधवाओं की दोबारा शादी करने की योजना है, या असम गवर्नमेंट की स्कीम है, असम सरकार की स्कीम है, या कर्नाटक गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील जानते हैं कि जो प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में खाना मिलता है उसे मिड डे मील बोलते हैं। तो क्या ये कर्नाटक सरकार की मिड डे मील स्कीम है, तो आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 74। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अलाहाबाद बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिवली बाई इंडियंस। सेकेंड, सेवन बैंक्स फॉर्मिंग सब्सिडियरी ऑफ स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन 1960। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ओनली वन टू, वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। ओके, हिंदी भाइयों के लिए इलाहाबाद बैंक भारतीयों द्वारा विशेष रूप से स्थापित किया जाने वाला पहला बैंक था। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी बनाने वाले 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1960 में किया गया था। इनमें से कौन सा सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों एक और दो, ना तो एक ना ही दो, है ना। अगला प्रश्न 75। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वास।
हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ओध अवध, पहले इसको अवध को OUDH पढ़ा जा था इसकी मीनिंग ओके, और कमर्शियल बैंक्स ओध कमर्शियल बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, हिंदी भाइयों के लिए भारत में भारतीय द्वारा प्रतिबंधित और 1881 में स्थापित सीमित देनदारियों का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध वाणिज्यिक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला प्रश्न 76, ये सही और गलत वाला है। इंस्ट्रक्शंस में स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य। एक की पंच ऑपरेटर जॉब इज ऑपरेशनली द सेम एज द कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब। एक की पंच ऑपरेटर का काम कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के समान होता है, बताइए सत्य है या गलत है, आप लोग बताइए ठीक है। अगला प्रश्न है 77, NEFT इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम ऑफ इंडिया। हाँ, कितने प्रकार के फंड ट्रांसफर सिस्टम होते हैं, इनके सारे भी मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था, NEFT, RTGS, IMPS ओके। तो इसमें से आप ये बताइए कि NEFT का भारत का सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है या नहीं, मतलब सत्य है या सत्य है ठीक है। अगला प्रश्न 78, व्हाट शुड बी द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ एन NBFC MFIs रजिस्टर्ड इन अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। 1 crore rupees, 2 crore rupees, 3 crore rupees, 5 crore rupees। हिंदी भाइयों के लिए उत्तर पूर्व में पंजीकृत एक NBFC MFI का न्यूनतम नेटवर्थ क्या होना चाहिए? 1 crore rupees, 2 crore rupees, 3 crore rupees या 5 crore rupees। अगला प्रश्न 79, इन द सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स डैश बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ऑप्शन 4, 5, 6, 8। हिंदी भाई के लिए वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वही इसमें से फिल करना है। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का चुनकर आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है आपको कंप्यूटर के द्वारा, लिखित तो होना नहीं है ठीक है। अगले प्रश्न जो है हम जाएंगे 80, हु इंट्रोड्यूस्ड द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की? ओके, RBI, SBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाबार्ड ओके। तो हिंदी भाइयों के लिए RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और नाबार्ड। नाबार्ड भी काफ़ी जरूरी है ठीक है। 81, नाबार्ड के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा ओके। 81, SEBI, अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1988, बट वाज एम्पावर्ड विथ स्टैचुरी पावर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्ट इन द ईयर। क्या करूँ दोस्तों, काफ़ी देर से बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द करने लगा है और काफ़ी गला भी सूख गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सेबी भारत में प्रतिभूति भारत का एक नियामक वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1989 में अधिनियम के रूप में वैधानिक शक्तियों के साथ सशक्त किया गया था। अगला प्रश्न, व्हाट इज मेंट बाय आधार शेडिंग। ये प्रश्न भी मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था, आधार शेडिंग का क्या मतलब होता है बताइए, जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा पिछले उसे पता होगा। आधार को बैंक खाते से जोड़ना, लिंकिंग ऑफ आधार विथ बैंक अकाउंट, डुप्लीकेट इश्यूएंस ऑफ आधार, ट्रांसफर ऑफ आधार, नन ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए आधार सीडिंग का क्या मतलब है? आधार को बैंक खाते से जोड़ना, आधार का डुप्लीकेट जारी करना, सी आधार का हस्तांतरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न 83, व्हाट डज रिटेल बैंकिंग मीन। रिटेल बैंकिंग मीन इसका मतलब क्या होता है? रिटेलर, शॉपकीपर्स, बैंक फाइनेंसिंग टू रिटेल ट्रेडर्स, सेम एज यूनिवर्सल बैंकिंग, गिविंग कंज्यूमर लोन्स टू वेरियस पब्लिक। ठीक है, हिंदी भाइयों के लिए रिटेल बैंकिंग का क्या अर्थ है? खुदरा दुकानदार, खुदरा व्यापारियों को ऋण देते हुए बैंक, यूनिवर्सल बैंकिंग के रूप में भी विभिन्न जनता को उपभोक्ता ऋण देना। अगला प्रश्न यानी अगले प्रश्न में जाएंगे 84, 84, What does SME mean? ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत आता है, इसको जरूर आप पढ़ लेना ठीक है। SME क्या करता है?
What does SME mean? Selling and marketing implies sales and mergers of entities, small and micro entities, small and medium enterprises. हिंदी भाइयों के लिए SME क्या करता है? बिक्री और विपणन कर्मचारी, इकाइयों की बिक्री और विलय, लघु और सूक्ष्म संस्थाएं, छोटे और मध्यम उद्योग. अगले प्रश्न पे जाते हैं. 85. Which bank came into existence in 1921 when three banks, namely Bank of Bengal 1806, Bank of Bombay 1840 and Bank of Madras 1843 were reorganized and amalgamated to form a single banking entity? हिंदी भाइयों के लिए, इंग्लिश भाइयों के लिए ऑप्शन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक. हिंदी भाइयों के लिए 1921 में जब बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 तीन बैंकों को एक ही बैंकिंग इकाई बनाने के लिए पुनर्गठित और समामिलित किया गया तो कौन सा बैंक अस्तित्व में आया? ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. भाइयों मेरा मुंह काफ़ी दर्द करने लगा है बोलते बोलते और काफ़ी सूख गया है, तो कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा. इंग्लिश भाइयों के लिए रूरल बैंकिंग्स प्रोडक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर बैंकिंग प्रोडक्ट, ऑप्शन बी माइक्रो क्रेडिट, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. हिंदी भाइयों के लिए ग्रामीण बैंकिंग के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कृषि बैंकिंग उत्पाद, बी माइक्रो क्रेडिट, कृषि ऋण या ऊपर के सभी. अगला प्रश्न 87. इंस्ट्रक्शन स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य या सत्य. आस्किंग द क्लाइंट क्वेश्चन इज यूजुअली एप्रोप्रिएट ओनली व्हेन इट इज एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू गेदर इंफॉर्मेशन व्हाट द काउंसलर नीड्स एंड द क्लाइंट कैन प्रोवाइड. ट्रू या फॉल्स? हिंदी भाइयों के लिए ग्राहक से सवाल पूछना आमतौर पर तभी उचित होता है जब काउंसलर की जरूरत हो और ग्राहक जो भी जानकारी दे सकता है उसे इकट्ठा करने की ईमानदार कोशिश हो. सत्य या सत्य. अगला प्रश्न 88. लॉस ऑफ ट्रस्ट ड्यू टू अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ऑन कस्टमर अकाउंट इज कंसर्नड विथ रेपुटेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, नन ऑफ द अबव. हिंदी भाइयों के लिए ग्राहक खाते पर अनाधिकृत गतिविधि के कारण विश्वास की हानि का संबंध है, प्रतिष्ठा से जुड़ा जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम, इनमें से कोई नहीं. अगला प्रश्न है 89. ए बिजनेस करेस्पोंडेंट बैंक मित्र इज, इस बैंक मित्र के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हो तो. ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि बैंक मित्र क्या होता है. ए बिजनेस करेस्पोंडेंट या बैंक मित्र जैसे BC या BF यानी कि बैंकिंग फैसिलिटेटर भी बोलते हैं. ऑप्शन है इंग्लिश भाइयों के लिए रिटेल एजेंट एंगेज्ड बाय बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एट लोकेशंस वेयर ओपनिंग ऑफ ब्रांच बैंकिंग नॉट वीएबल वर्किंग फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन द नेम ऑफ द बैंक स्टाफ नन ऑफ द अबव. हिंदी भाइयों के लिए एक व्यवसाय संवाददाता यानी कि बैंक मित्र क्या होता है, मतलब डैश में भरना है इनमें से. ठीक है, रिटेल एजेंट बैंकों द्वारा उन बैंक स्थानों पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु लगे हुए जहां बैंकिंग शाखा खोलना व्यवहार नहीं है. ऑप्शन बी ऋण की वसूली के लिए कार्य करना, बैंक स्टाफ का नाम, इनमें से कोई नहीं. ठीक, अगला प्रश्न है 90. व्हाट इज द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर एनम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर अंडर स्वावलंबन स्कीम? स्वावलंबन स्कीम कई लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे अच्छे से, बताने की कोई जरूरत नहीं. स्वावलंबन योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान क्या है? ऑप्शन ए 1,000, 5,000, 10,000 and 12,000. हिंदी भाइयों के लिए स्वावलंबन योजना के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान क्या है? 10,000, 5,000, 1,000, 5,000, 10,000, 12,000. UIDAI stands for, इस बारे में ध्यान से जरूर देख लीजिए कि बैंकिंग का पेपर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंकिंग के ही क्वेश्चन आए, बैंकिंग से संबंधित जो अलग अलग टर्म होते हैं उनसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, जैसे कि UIDAI stands for भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत के लिए विशिष्ट पहचान कार्यवाही, भारतीय विशिष्ट
सूचना प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान एजेंसी इंग्लिश भाइयों की UIDAI है क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक्शन फॉर इंडिया, यूनिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक इन आइडेंटिफिकेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि UIDAI की वेबसाइट होती है, जो संस्था है जो आधार कार्ड का पूरा काम देखती है, ठीक है। ये वही एक डिपार्टमेंट है और इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में कई फुल फॉर्म जारी किए हैं, और अगर नया आने वाले वीडियो में कभी फुल फॉर्म जारी करने वाला हूँ तो फुल फॉर्म पे जरूर ध्यान दिया करिए, ठीक है। जैसा कि आप आधार डाउनलोड करने जाते होंगे तो आप पहले UIDAI की वेबसाइट पर ही जाते हैं। एक ऐसी संस्था है जो आधार के सारे कामों को देखता है, निर्देशित करता है, या कोई भी नई जानकारी हो तो यही सूचना अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं, 92 इंस्ट्रक्शंस, स्टेट ट्रू और फॉल्स, असत्य या सत्य। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फाइनेंशियल काउंसलर्स हैव इज देयर टेक्निकल एक्सपर्टाइज। वित्तीय परामर्शदाताओं के पास एकल सबसे महत्वपूर्ण कौशल उनकी तकनीकी विशेषता है, विशेषज्ञता है। सत्य या सत्य, ट्रू फॉल्स। अगला प्रश्न है, What is the full form of SWIFT? SWIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश भाइयों के लिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सीक्रेट वाइज इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एंड डी, नन ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए, SWIFT का पूर्ण रूप क्या है? विश्वव्यापी इंटरनेट वित्तीय दूर संचार के लिए सोसाइटी, गुप्त वाइड इंटरनेट इंटरबैंक वित्तीय दूर संचार, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न 94 यानी कि 94, ट्रू और फॉल्स वाला, ये भी प्रश्न बहुत आते हैं, सत्य सत्य वाले। द कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा कैन ओनली बी अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ बिजनेस, ठीक है। हिंदी भाइयों के लिए, डेटा का कंप्यूटरीकृत प्रसंस्करण केवल व्यवसाय के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, What is the main purpose of the NPS Lite initiated by the government? ठीक है, NPS Lite is for weaker section of the society. NPS Lite is economically disadvantaged section of society. Both A and B, none of the above. हिंदी भाइयों के लिए, सरकार द्वारा शुरू की गई NPS Lite के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? NPS Lite समाज के कमजोर वर्गों के लिए है, NPS Lite समाज के आर्थिक रूप से संचित वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ PMJDY स्कीम इज हेडेड बाई, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी निगरानी और कार्यान्वयन का हेड कौन होता है, किसके द्वारा हेड किया जाता है, मतलब सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन इसका नेतृत्व करता है? लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ नाबार्ड, जिला पंचायत सेक्रेटरी। हिंदी भाइयों के लिए, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति डैश के नेतृत्व में है, लीड जिला प्रबंधक, जिला कलेक्टर, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, जिला पंचायत सचिव। अगला प्रश्न है 97, ट्रू और फॉल्स, सत्य सत्य। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रू फॉल्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सत्य सत्य। अगला प्रश्न है, बैलेंस इंक्वायरी इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टेक्निकल ट्रांजेक्शन, नॉन दियो। हिंदी भाइयों के लिए, बैलेंस इंक्वायरी एक तरह का वित्तीय लेन देन है, गैर वित्तीय लेन देन है, तकनीकी लेन देन है, इनमें से कोई भी नहीं। बैलेंस इंक्वायरी सभी लोग करते हैं दोस्तों, बैंक की जांच सभी लोग करते हैं, काफ़ी थक गया हूँ बोलते बोलते, मेरा काफ़ी सूख गया है, ठीक है। तो अभी मैं पेपर ख़त्म होने वाला है और काफ़ी वीडियो लंबा भी होता जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस इंक्वायरी इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टेक्निकल ट्रांजेक्शन, नॉन ऑफ द अबव। द टाइप्स ऑफ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स आर, फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एंड सपोर्ट टू बिजनेस, इंडस्ट्री पोर्टल्स, इन्फॉर्मेशन साइट्स अबाउट द इंडस्ट्री, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी भाइयों के लिए, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के प्रकार डैश हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष बिक्री और व्यापार के लिए समर्थन, उद्योग पोर्टल एक उद्योग के बारे में जानकारी साइट है, ये ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है जो कि फाइनल प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले कि मैं बता दूँ आपको कि आगे आने वाले समय में मैं ऐसे कई पेपर और जो मेन मेन क्वेश्चन हैं वो अपलोड करने वाला हूँ,
हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं फाइनल क्वेश्चन 99 के बाद 100 वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और सबमिट कर दूँगा। उसके बाद आप जो है आपने सभी उत्तर एक लाइन से लिख लीजिएगा, ठीक है, उसमें नंबर भी डालते जाइएगा और आखिरी में मैं उत्तर आपको दिखाऊंगा। फिर आप लोग चेक करना कि आपने कौन से प्रश्न सही किए और कौन से गलत किए, ठीक है। आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जो कि 100 एंड फाइनल क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। ओके, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग इज हैंडल्ड बाय अ यूनिट सेपरेट फ्रॉम यूजर ग्रुप्स इन मेनी बिजनेसेस। ट्रू फॉल्स, हिंदी भाई के लिए, व्यवसाय डेटा प्रोसेसिंग को कई व्यवसायों में उपयोगकर्ता समूहों से अलग एक इकाई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सत्य या असत्य? ओके दोस्तों, आप लोगों को, आप लोग जहाँ पे पेपर देने जाएंगे, ठीक है, ये पूरा पोर्टल ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये टाइम चलता रहेगा। अभी भी हमारे पास 42 मिनट रह गए हैं, ठीक है। ये IABF का BCBF एग्ज़ाम रहेगा, ठीक, यहाँ के आपके सारे क्वेश्चनों के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पे अभी मैं बता ही चुका हूँ शुरुआत में, आप देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछले करने के लिए, अगला करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन के लिए, अगर आपको गलती से आपने कोई क्वेश्चन भर दिया हो, ठीक है। देखिए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो रेड हो जाएगा। आपने गलती से कोई क्वेश्चन भर दिया हो, अगर इसे क्लियर करना है तो क्लियर ऑप्शन करने के लिए ये वाली बटन दबाएंगे, देखिए ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन कोई जो आप दोबारा आपको ध्यान नहीं आ रहा है उसे बाद में आप लास्ट में करना चाह रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप जाके इसमें क्लिक करेंगे और टैग करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेव और रिज्यूम पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे, वहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। वहाँ पे सबमिट का बटन आएगा या फिनिश का बटन आएगा, ठीक है, अपडेट होता रहता है, उससे मतलब नहीं है। मैंने आपके क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन सही करके आना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये आखिरी प्रश्न है, सवा क्वेश्चन, और इसके बाद आप सभी जिन जिन लोगों ने अपने अपने कॉपियों में या रजिस्टर में सारे क्वेश्चन नंबर वाइज डाल के अपने ऑप्शन लिखे हुए थे वो अपने उत्तर मिला लें, और इसके बाद जो है मैं सबकी आंसर की डालने वाला हूँ, ठीक है, या इसी वीडियो के आगे जुड़ा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, फिनिश एंड एग्जिट पर क्लिक करेंगे, ठीक। देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ये पोर्टल, ये आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, फाइनल एंड फिनिश एंड एग्जिट, यानी पेपर में समाप्त करना है और बाहर निकलना है, इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे, देख लेना, नहीं तो आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाओगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो पहले से निकल नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसको आखिरी में तभी देखना जब आप सभी प्रश्नों के एक अलग कॉपी में अपने अपने उत्तर लिखते जाना, ठीक है। फिर आखिरी में वीडियो के अंत में आप सभी प्रश्नों के उत्तर को सही सही मिला लेना, ठीक है। पहला प्रश्न है, पहले का बी है, दूसरे का डी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी, पांचवें का ए, छठवें का ए, सातवें का बी, आठवें का बी, नवें का सी, दसवें का डी, ग्यारहवें का ए, बारहवें का सी, तेरहवें का ए, चौदहवें का सी, पंद्रहवें का ए, सोलहवें का बी, सत्रहवें का डी, अठारहवें का सी, उन्नीसवें का बी, बीस का डी, इक्कीसवें का डी, बाईस का बी, तेईस का ए, चौबीस का ए, पच्चीस का डी, छब्बीस का डी, सत्ताईस का डी, अट्ठाईस का डी, उनतीस का बी, तीस का सी, इकतीस का सी, बत्तीस का ए, तैंतीस का सी, चौंतीस का ए, पैंतीस का ए, छत्तीस का ए, सैंतीस का बी, अड़तीस का बी, उनतालीस का बी, चालीस का डी, इकतालीस का बी, बयालीस का सी, तैंतालीस का सी, चवालीस का ए, पैंतालीस का बी, छियालीस का बी, सैंतालीस का सी, अड़तालीस का डी, उनचास का सी, पचास का बी, इक्यावन का डी, बावन का सी, तिरपन का ए, चौवन का सी, पचपन का सी, छप्पन का सी, सत्तावन का बी, अट्ठावन का डी, उनसठ का ए, साठ का बी,
61 का सी, 62 का ए, 63 का ए, 64 का सी, 65 का डी, 66 का ए, 67 का बी, 68 का ए, 69 का ए, 70 का डी, 70 का डी, 71 का सी, 72 का डी, 73 का बी, 74 का सी, 75 का बी, 76 का बी, 77 का ए, 78 का बी, 79 का सी, 80 का ए, 81 का सी, 82 का सी, सॉरी 82 का ए, 83 का डी, 84 का डी, 85 का ए, 86 का डी, 87 का ए, 88 का ए, 89 का ए, 90 का ए, 91 का ए, 92 का बी, 93 का सी, 94 का ए, 95 का सी, 96 का बी, 97 का ए, 97 का ए, 98 का बी, 99 का डी और 100 का ए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ तुम्हें कि ये वीडियो जितना हो सके अपने सभी मित्रों, जो बैंक मित्र हैं, जो बैंक मित्र बनने वाले हैं, उन सभी को फैला दें ताकि वो भी सही से तैयारी कर सकें दोस्तों। ठीक है, आप मेहनत करिए, हाँ थोड़ा पढ़ने में बोरिंग फील होगी लेकिन अगर पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।